इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से आपके पीसी के अंदर दिखाई देता है, यहाँ पर जो इशू हमारे सामने क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आता है इस तरीके से, दी अर्चीव फाइल्स इज इधर अननोन फॉर्मेट और डैमेज, डू यू वेंट टू कॉन्टैक्ट सपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ आता है। तो गाइज, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस तरीके से आपको इश्यू दिखाई दे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले काट देना है। और एक्चुअली मैं इस वाली फाइल पर या कोई सी भी फाइल, मतलब मैं खोल रहा हूँ तो इशू क्रिएट हो रहा है, चाहे ये वाली फाइल हो, बेसिकली ये वाली, यही ये वाली हो। ठीक है, यहाँ पर तो लोडिंग लोडिंग चल रही है एंड इसको खोल रहा हूँ तो यहाँ पर जब भी इस तरीके से बता रहे हैं, कभी कभी ये फाइल खुल जाती है एंड कभी कभी नहीं खुलती। तो एक्चुअली में दिक्कत क्या है ये मैं आपको बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर ये दिखा रही है डैमेज और फॉर्मेट एंड डैमेज। तो एक्चुअली में ये इशू थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का सा है, मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। देखिए, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर काटता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये फाइल जो है एक्चुअली में, जो आप यहाँ पर ये वाली फाइल देख रहे हैं ना, तो ये फाइल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस फाइल के अंदर, लेकिन ये जो दूसरी वाली फाइल है इसमें यहाँ पर ये फाइल निकली हुई है, भले इस पर आपको फोल्डर का निशान आ रहा हो, यहाँ पर ये शो कर रहा हो, बट ये एक्चुअली में एक फाइल है जो कि इसके अंदर से निकली हुई है। बार बार तो उससे आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर नहीं सकते, ठीक है, कुछ हद तक ही उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये तो चीज़ इम्पोर्टेंट हो गई। अब ये यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए वैसे ज़्यादा नहीं, आप इसको यहाँ पर सेकंड वाला बटन दबाइए इस पर, और इसको इससे ना खोलकर हम दूसरी वाली ऐप से खोलते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर इसे खोल देगी, ठीक है, खोल देगी ये भी, लेकिन आप इसे देखिए यहाँ पर इन्हें खोल दी, इसके अंदर का मटेरियल वगैरह सब चीज़ यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो अब यहाँ पर सहारा किस चीज़ का लें, चाहे आप एंड्रॉयड फ़ोन का ले सकते हैं, चाहे किसी भी फाइल का ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है उससे कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पर किसी और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिएगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर से ही WIN के नाम से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, उससे ही आप इसको खोल सकते हैं, इससे भी खोल सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा अपने फ़ोन को, अपने स्मार्ट इसको जो है रिस्टार्ट कर लीजिएगा एंड फाइल को पूरी रखिएगा। यहाँ पर एक फाइल मिसिंग है एंड देखिए यहाँ पर ये इसने खोल देगा, ये दो एक क्लिक में इसको खोल देगा, लेकिन अगर ये फिर भी नहीं खोल पाता है तो आप क्या करिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके अंदर हमने USB लगा रखी है एंड इसमें हम करके दिखाता हूँ, मैं इसको पहले खोलता हूँ। ठीक है, ये फाइल जो है ये इसी की है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से ये प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैक लाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप USB लगा रखी है, तो USB स्टोरेज में जाइए एंड अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ये वाला सॉफ्टवेयर जो चल रहा है ना, ये वाला है RAR। ठीक है, RR लैब इसकी जो यहाँ पर पब्लिशिंग कंपनी है वो है। उसके बाद हम इसको यहाँ पर अपने USB में जाकर इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर ये डायरेक्टली खुल जाएगा, ये रहा इसका सब कुछ, वो वहाँ से भी आपको शो कर रहा था, यहाँ से भी शो कर रहा है। अगर आपके PC में आपको नहीं लगता है कि ये इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो यहाँ से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ही ईजी होता है अपन। ठीक है, आप क्या करिएगा कि सबसे पहले इसको जो है, इस वाले सॉफ्टवेयर को बिल्कुल क्लोज कर दीजिएगा रनिंग में से, यहाँ पर जो है ऐप रनिंग में से भी जाकर आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ से इसको प्रोसेस में लाइएगा, यहाँ से इसको बिल्कुल क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, टाइप करके यहाँ से इसको एंड प्रोसेस करके फिर उसको रन करिएगा, ये भी इसको इजीली खोल देगा। लेकिन जो खुली हुई फाइल होंगी, जो इसके अंदर से निकली हुई है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ एक दफ़े, जो आपकी समझ में आए। देखिए, यहाँ पर जब हम इसको खोल रहे हैं तो ये वाली फाइल भी जब आप निकालेंगे तो इसी की तरह शो करेगी, चाहे इस पर ही हो, लेकिन कुछ फाइलें नहीं खुल पाती, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से सही प्रोसेस करते हैं तो आपको कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी, अदरवाइज़ आपको इशू क्रिएट होता रहेगा, वरना यही वाला।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।